आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में कल जोरदार बारिश हुई, आफत बनकर ये बारिश बरसी। लोग न सिर्फ परेशान हुए बल्कि जाने भी गए। आइए शो में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आफत बनी इस बारिश से किस तरह से और कहां कहां हादसे हुए। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात बारिश आफत बनकर आई। जगह जगह हुए जलजमाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। ढाई से तीन घंटे की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली एनसीआर में ही 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। वहीं केवल दिल्ली में ही 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के घंटाघर में मकान गिरने से 1 की मौत हो गई। मीठापुर और बिंदापुर में करंट लगने से 2 की मौत हो गई। तो वहीं संगम विहार में भी करंट लगने से 1 युवक की मौत हो गई। तो खोड़ा कॉलोनी में माँ बेटे के नाले में डूबकर मौत हो गई। खोड़ा कॉलोनी का हादसा बेहद ही दर्दनाक है। बारिश से इलाके में पानी इतना भर गया कि 23 साल की तनुजा बिष्ट अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ नाले में गिर गई। तनुजा घर का सामान लेने के लिए बेटे के साथ बाजार गई थी, लेकिन किसे पता था कि वो उनकी आखिरी बाजार होने जा रही है। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे नाले खोल के रखे। आज मेरे बच्चे वाइफ गए, कल कोई और जाएगा। कल मैंने वहाँ भी न्यूज़ चैनल वालों को यही बोला है, पहले ये चीज़ ठीक कराओ। आज मेरे गए, कल किसी और के जाएंगे। मैं तो बचा नहीं पाया। मैंने पुलिस को भी 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई नहीं पहुँचा। फिर उसके बाद लाल बहादुर में इधर उधर की सारी पुलिस आई, वहाँ सब लोग कॉपी रजिस्टर लेके वो कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे कोई इंश्योरेंस चाहिए, मेरा तो सब कुछ चला गया ना। बारिश हो रही थी, 8:30 का टाइम था। तो मैं जैसे वहाँ से आया तो मुझे कुछ सुनवाई मिली थी। उधर जो बताया था लोगों ने कि ऐसे वहाँ हादसा हो गया है, तो हादसा होने पर सर मैं इधर से आया तो मैंने आपको देखा कि यहाँ से तो इस साइड से ये नाला है, ये थोड़ा कटा हुआ है। तो सर इससे महिला और बेटे और माँ बेटी ये दोनों आ रहे थे बेटा। तो यहाँ से आने के बाद में उसके बाद देखा तो यहाँ से डेड बॉडी यहाँ से गई। बहुत सारे बंदे थे सर, तो बहुत सारे बंदे उसको मैंने देखा। तो देखने के बाद में हमको भी ऐसा हुआ, हम भी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार थे कि कहीं मिल जाए हमको अच्छा लगे। हम दौड़ते दौड़ते यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, देखा इधर पूरा नाला वहाँ से यहाँ तक। तो सर हम देखते हुए यहाँ से पहुँचे, पहुँचने के बाद में हमको नहीं मिला। उसके बाद में फिर डेड बॉडी सर वहाँ पे मिली। घर लौटते समय बेटे प्रियांश का पैर फिसला और वो नाले में जा गिरा। उसे बचाने के लिए तनुजा भी नाले की ओर दौड़ी और गिर पड़ी। बताया जाता है कि आखिरी दम तक तनुजा ने अपने बेटे प्रियांश का हाथ थामे रखा था। तकरीबन घटना के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जब पुलिस और एनडीआरएफ की टीम आई तो जो माँ थी, माँ को यहाँ से निकाला गया था। आप ये जो देख रहे हैं, जो टावर के नीचे जो नाला देख रहे हैं आप, इसकी गहराई आप देखिए, आप देखिए कितना ये भयानक है, ये खुलासा है नाला। यहाँ पे जो है वो माँ की बॉडी को मिली थी, यहीं पे जो है वो बच्चे को रेस्क्यू किया गया था, यहीं से बच्चे की लाश मिली थी यहाँ से। तो अभी पुलिस जांच कर रही है इसका, लेकिन जो रात हादसा हुआ है रात को, जो स्थानीय लोग जिसे बता रहे हैं, वो काफ़ी भयानक हुआ है। दिल्ली से अपने सहयोगी मानसी जोशी के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश बादल फटने से नहीं हुई थी। मौसम विभाग के महानिदेशक ने एनडीटीवी को बताया कि दरअसल देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। इसी के साथ ही मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात तक तेज बारिश ने कहर बरपा दिया। कहीं घर गिरे तो कहीं अंडरपास पानी में डूब गया। पूरे दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। राजधानी में अप्रत्याशित बारिश पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम मोहपात्रा ने एनडीटीवी को बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश बादल फटने से नहीं हुई। दिल्ली में जो बारिश हुई, क्या उसको हम क्लाउड बर्स्ट मान सकते हैं? नहीं, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और ज़्यादातर रेनफॉल शुरू हुआ इवनिंग के बाद, यानी 17:30 के बाद रेनफॉल कहीं कहीं शुरू हुआ, और मोस्ट इंटेंस रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 7:30 से 8:30 के बीच में। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर आवर आप देखेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। इसको हम एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल बोलते हैं। इसको हम क्लाउडबर्स्ट बोलेंगे जब रेनफॉल रेट यानी रेनफॉल अमाउंट पर आवर 10 सेंटीमीटर
से ज़्यादा होगा। ऐसे कोई रेनफॉल दिल्ली में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केदारनाथ और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश में कई घर बह गए, दुकानें गिर गईं। इन दोनों राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकतर हिस्सों में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सक्रिय बना हुआ है। ये ताज़ा फोरकास्ट मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के अधिकतर हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें उत्तरी भारत के वो इलाके भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वो क्लाउडबर्स्ट प्रोन एरिया तो है ही, और जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास अवेलेबल हुए इसके हिसाब से एक्सट्रीम इंटेंस स्पेल रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे कुछ इलाका हो सकते हैं जहाँ हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, जो हायर रीचेस ऑफ हिमालय हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास अवेलेबल है इसके हिसाब से एक्सट्रीम इंटेंस स्पेल रिकॉर्ड हुआ है। और 24 आवर्स रेनफॉल देखें तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। उधर केरल के वायनाड और आसपास के इलाकों में खतरा अब भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की। एक तरफ मॉनसून जहां कई राज्यों में आफत बनकर आया है, तो किसानों को खरीफ के मौसम के दौरान इससे बड़ी राहत मिली है। मॉनसून का भरपाई तो जुलाई में हो चुका है, मगर ऐसे कुछ इलाका है जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में, ईस्ट यूपी, झारखंड, बिहार, गंज, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ओडिशा, जहाँ की अभी तक भी डेफिशिएंट रेनफॉल है। सो जो हमारा भी पूर्वानुमान है अगस्त में और अगस्त सितंबर में, ये सब इलाका में भरपाई होने का संभावना है। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो प्लेन्स में कुछ इलाका है और हिमालयन रीजन इलाका है जहाँ बारिश कम हुआ है, वो सभी में कुछ भरपाई होने का भी संभावना दिखाई। जाहिर है केंद्र और राज्य सरकारों को सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों के लिए कल का दिन इस तरह से राहत भरा रहा कि मौसम सुहाना हो गया झमाझम बारिश के बाद, लेकिन सड़कों पर तेज बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति रही, लंबा ट्रैफिक जाम रहा, और जिन लोगों का पेशा ही गाड़ी चलाना हो उनकी हालत तो आप समझ सकते हैं। तो कल की बारिश में ड्राइवरों का हाल क्या रहा, उसे जाना मेरे सहयोगी पल्लव मिश्र ने। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बुधवार को ऐसा पानी बरसा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलना मुहाल हो गया। टैक्सी चालकों ने बताया कि भारी जल भराव और लंबे जाम के कारण कुछ मिनटों की दूरी कई घंटे में पूरी हो पाई। इस दौरान उनकी सवारियां देर से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंच पाई। जाम मत पूछ, पानी पूरा भरा हुआ था, गाड़ियां कितने रोड में बंद पड़ा था, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लोग फंसे हुए थे। कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी जहीं मर्जी वहीं छोड़ के निकल रहा है। इतना जाम था कि पूछो मत, बहुत बुरा हाल था जी कल दिल्ली में। कहीं ना गाड़ी इधर न दाएँ जा सकते न बाएँ जा सकते, जहाँ जाम लगा पानी भरा तो पानी भरा। सुबह मैं नोएडा के लिए निकला था तो इतना पानी था उसमें नीचे बेसमेंट में, तो गाड़ी हमारी डूब गई। बड़ा कैसे बड़ी गाड़ी थी तो निकाल लिया मैंने कैसे करके। इतना परेशान हो गई कि फ्लाइट मिस हो गई उसकी। फिर उसने 3 बजे रात की पकड़ी फ्लाइट, उसने 11 बजे की फ्लाइट थी, उसकी फ्लाइट मिस हो गई रास्ते में, इतना जाम लग गया। कुछ ऊबर चालकों ने कहा कि सड़कों पर इतना पानी था कि कई गाड़ियां बंद हो गईं, इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से पिकअप और वेटिंग टाइम भी घंटों बढ़ गया। इस दौरान ऊबर ने किराया भी 4 गुना तक बढ़ा दिया। बाइकें भी रुकी थी और वो सीवर भी साथ में लगा हुआ था, गाड़ी निकलने के रास्ता एक गाड़ी निकल पा रही थी वहाँ से, तो एक जो समय मेरा 20 मिनट पूरा होना चाहिए था वो 1 घंटा 10 मिनट पूरा हुआ। कैब के लिए इधर उधर बटोल रहे थे और ऊबर ने भी अपना जो ऐप था उसमें भी जहाँ किराया 100 रुपये होना चाहिए वहाँ भी 400-400 रुपये वो क्लेम कर रहा था। स्थिति पूरा डमाडोल थी जी, पानी का बारिश की वजह से पूरा डमाडोल थी। हर जगह ट्रैफिक, हर जगह गाड़ी डूब रही थी, जाने में परेशानी, पब्लिक परेशानी सब हुई। बारिश ने लोगों को गर्मी से भले ही कुछ राहत दी हो, लेकिन कुछ घंटों के लिए पूरा दिल्ली NCR ठप सा हो गया। पूरे दिन उमस भरी गर्मी और उसके बाद बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई। इस कारण सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला तो ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तेज बारिश के कारण पूरे दिल्ली NCR का हाल बेहाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार 6 अगस्त तक दिल्ली वासियों को ऐसे ही बारिश का सामना करना पड़ेगा। इस कारण कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश होगी।
हालांकि बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई, लेकिन जल भराव और अन्य कारणों के कारण लोगों के सामने चुनौती और समस्या भी आ खड़ी हुई। नई दिल्ली से कैमरामैन SP द्विवेदी के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। बीते 24 घंटे में इस तरह से तेज बारिश ने तांडव मचाया है कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। राज्य का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो बारिश से प्रभावित न हुआ हो। 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 250 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन और मलबे की वजह से बंद है। क्या है उत्तराखंड का हाल, आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टिहरी के घनसाली से लेकर केदारनाथ के लिंचौली तक बादल फटने से तबाही हुई। घनसाली में होटल के बहने से 3 लोगों की मौत हुई, तो वहीं केदारनाथ तक का पैदल मार्ग कई जगह बारिश से टूट गया है। जखनियाली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था, उससे जखनियाली में 3 जनानी हुई हैं, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानी भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे जाओ है, भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं, पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भिंडली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहां पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई, हरिद्वार में 4, घनसाली में 3, देहरादून में 2, गैरसैंण में 1 और लिंचौली में 1 की मौत। वहीं इस आपदा में अब तक 5 लोग लापता है। केदारनाथ पैदल मार्ग से 1100 से ज़्यादा यात्रियों को बचाया गया, वहीं 425 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। राज्य में 250 से ज़्यादा सड़कें मलबे और भूस्खलन से बंद है। वहीं राज्य में बारिश से पैदा हुए हालात का जायज़ा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। जानमाल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। इसके अलावा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा के रास्ते पर और कई अन्य जगहों पर SDRF की तैनाती की गई है। जिले जो कल की वर्षा से बहुत प्रभावित हुए, एक टिहरी गढ़वाल जिसमें घनसाली क्षेत्र और दूसरा रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग जो प्रयोग होता है उसमें, तो जो केदारनाथ धाम की यात्रा का मार्ग है वो 2 जगह से कट गया है और कुछ यात्री वहाँ फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। SDRF, NDRF और जिला पुलिस इसके लिए तैनात है और अभी चौपर की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है जिसमें कि 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बरसात के बीच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। जलभराव के बीच से गुजरते बाइक सवार के साथ मौजूद लड़की के साथ भीड़ के बीच में छेड़खानी हुई। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद कार्रवाई हुई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर अदब के शहर लखनऊ के मिजाज पर एक बदनुमा दाग है। ये तस्वीर भीड़ के हिंसक हो जाने की दास्तान है। ये तस्वीर इस समाज के एक तबके की सोच की गवाही है। ये तस्वीर वाकई लखनऊ के लिए शर्मिंदगी की तस्वीर है। दरअसल बुधवार को लखनऊ में जोर की बारिश हुई,
तो शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। ऐसे ही पानी अंबेडकर पार्क के पास भी लगा और इस पानी में मौज मस्ती करने के लिए कुछ युवाओं की भीड़ वहां पहुंच गई। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उन गाड़ियों पर ये युवक पानी फेंक रहे थे, लेकिन ये मौज मस्ती अचानक बदसलूकी में तब बदल गई जब एक बाइक पर सवार युवक और युवती वहां से गुजर रहे थे और युवती को देख करके इस भीड़ ने न सिर्फ बाइक सवार को गिरा दिया बल्कि सरेआम युवती के साथ बदसलूकी की। घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। पीड़ित युवती शर्मिंदगी की वजह से पुलिस के पास नहीं गई। फिर पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पहले मुकदमा दर्ज किया और फिर कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। दिनांक 31/7/2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराट साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में आए। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और साथ ही गोमती नगर इलाके के DCP, ADCP, ACP को उनके स्थान से हटा दिया गया। वहीं पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही शामिल हैं। लेकिन जब इस मामले को विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी के सत्र के नाक के नीचे सदन चल रहा है उसके दौरान अगर हुड़दंगियों के इतने बेबाक हो चुके हैं, वो इतने निरंकुश हो चुके हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन रहेगी। जिस तरह से एक बेटी को वहाँ पे अपमानित किया गया, बाइक से उसको खींच करके नीचे गिरा दिया गया, उसके बाद भी सरकार जो है उसका उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर रिस्पॉन्स टाइम क्या था लखनऊ पुलिस का, कितनी देर में वहाँ पर पहुंची। गोमती नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, ट्रेन की तैयारी की जा रही है। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी SP, एडिशनल SP और DCP, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की। गोमती नगर की इस घटना में योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। DCP, ADCP और ACP का ट्रांसफर किया गया। चौकी प्रभारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया। 4 आरोपी जिनमें पवन यादव, अरबाज, सुनील कुमार और विराज साहू को गिरफ्तार किया गया। वीडियो और CCTV के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद जिस तरह से सरकार एक्शन में आई है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी ज़रूर होगी। और आरोपियों को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलेट ट्रेन की बात कही है उससे ऐसा लगता है कि इन आरोपियों पर और कड़ी कार्रवाई सरकार करने के मूड में है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। आपको ये जानकर हैरान कर देगी कि डिजिटल इंडिया के दौर में सोशल मीडिया का नशा कुछ इस कदर से फैला है कि मजाक मजाक में कुछ लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा की ये खबर है जहां एक लड़की को इंस्टाग्राम पर एक काल्पनिक लड़के से प्यार हो जाता है, उसकी मौत की खबर जानने के बाद वो आत्महत्या कर लेती है और मृतका के परिवार को बाद में पता चलता है कि दरअसल वो काल्पनिक लड़का उस लड़की की सहेली ही निकली। क्या है पूरी खबर दिखाते हैं आपको सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर जिसे लड़का समझकर प्यार करने लगी थी काल्पनिक लवर की मौत की खबर पर जान दे बैठी, पर नकली लवर हकीकत में उसी की सहेली निकली।
महाराष्ट्र के सतारा से हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। 24 वर्षीय ऋतुजा जिसे लड़का समझकर प्यार करने लगी थी, असल में वो उसकी ही सहेली गायत्री थी। सहेली ने मनीष नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना रखा था। जब लड़की ने मिलने की जिद की तो घबराहट में सहेली ने शिवम पाटिल नाम से दूसरा फर्जी अकाउंट बनाया और काल्पनिक बॉयफ्रेंड का पिता बनकर मनीष की मौत की खबर दे दी, जिससे दुखी होकर मनीष से प्यार करने वाली ऋतुजा ने भी खुदकुशी कर ली। मृतिका के मोबाइल चैट से जब सच्चाई का पता चला, फौरन एक्शन में आई और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने पता किया तो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट इस लड़के का ना होकर एक तरीके से एक फेक अकाउंट बनाया गया, और वो फेक अकाउंट एक दूसरी एक लड़की जो वाठार में ही रहने वाली है, वो इसका इस्तेमाल कर रही थी और इसके माध्यम से इस लड़की को वो फंसा रही थी, और जिसके कारण फाइनली उसने आत्महत्या करी। हमने इस केस में अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एक केस रजिस्टर किया है, और ये जो लड़की है जिसने फेक अकाउंट बनाया था उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, और आगे की हम तफ्तीश इसमें कर रहे हैं। जो हकीकत में था ही नहीं, उसकी मौत के गम में खुदकुशी, एक मजाक खुदकुशी के हद तक पहुंच जाए, सोशल मीडिया का ये फितूर किस कदर घातक हो रहा है ये आप भी समझ सकते हैं। युवाओं में सोशल मीडिया के इस नशे को कम करने की चुनौती देखते देखते और बढ़ती जा रही है। सातारा से सुजीत आंबेकर और मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय घाड़ीगांवकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।